आपके YouTube चैनल स्मार्ट सिक्योरिटी विजन पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका हिविजन का DVR है उसका टाइम और डेट है वो बार बार चेंज हो जाना, तो ये प्रॉब्लम हमें क्यों आती है। तो ये प्रॉब्लम है आपको DVR है जो आपका जो बार बार है रीसेट होना बंद होना, इसके कारण आपको ये DVR में प्रॉब्लम आती है और ये 2 या 3 साल के बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसका सोल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो DVR है उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जैसे मैंने इसे पिक्चर में दिखाया है ऐसी आपको एक बैटरी उसके अंदर मिलेगी प्लेट के अंदर, उस बैटरी को आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको किस घड़ी की जो दुकान है उसके ऊपर आपको जाना है, उसका आपको सेल दिखा के या फिर आप उसे कह सकते हैं कि 12-20 की जो बैटरी है वो मुझे दे दीजिए तो आपको मिल जाएगी। यदि आपको फिर भी आपके मार्केट में नहीं मिलती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उसको परचेज कर सकते हैं। तो उसको आपको लेने के बाद आपको उसमें DVR के अंदर डालना है। डालने के बाद आपको DVR को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको फिर से आपको दिखने को मिलेगा कि आपको जो टाइम और डेट है वो सेट नहीं है, तो आपको दोबारा से जो आपका टाइम और डेट है आपको दोबारा से सेट करना है। सेट करने के बाद आपको फिर से मेन मेनू में जाना है। मेन मेनू में जाने के बाद आपको शटडाउन में जाना है। शटडाउन में जाने के बाद आपको रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको रीसेट के ऊपर क्लिक करना है। रीसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको DVR जो है रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको फिर से देखना कि जो आपकी टाइम और डेट है वो दोबारा से बिल्कुल सेट है। तो यदि आपका जो प्रॉब्लम वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।